हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 12 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम्स रिलेटेड टू अ प्रोसेस। कौन कौन से वो टाइम होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है? टाइम एट विच एनी प्रोसेस इंटर इंटू रेडी स्टेट। वो टाइम जिस समय कोई भी प्रोसेस हमारे रेडी स्टेट में इंटर होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम। या जैसे आप टाइमिंग डायग्राम से अगर आप देखो, तो सबसे पहले हमारा होता है न्यू स्टेट एंड देन हमारा क्या आता है? रेडी। तो वो टाइम जिस समय हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में एंटर होता है, रेडी स्टेट में जैसे एंटर होगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? अराइवल टाइम। या आप ये भी बोल सकते हो कि वो टाइम जिस समय हमारा प्रोसेस रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? अराइवल टाइम, क्योंकि रेडी स्टेट में वही प्रोसेस होते हैं जो रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। सेकेंड टाइप का जो टाइम है उस टाइम को हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर इट्स कंप्लीशन। किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए उसे कितना सीपीयू टाइम चाहिए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट टाइम। एंड हम लोग जो ये अभी टाइम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम, उसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सिंपल हो और हमें इजिली समझ में आ जाए, उसको हम बाद में रिलेट कर लेंगे। तो यहां पर बर्स्ट टाइम हमें क्या है, केवल सीपीयू टाइम से मतलब है। इट मींस रेडी स्टेट है एंड रेडी से हमारा रनिंग में जाएगा एंड रनिंग से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, या एग्जिट बोलिए। तो रेडी से रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में वो जितना टाइम स्पेंड करेगा उस टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे? बर्स्ट टाइम। एंड इसीलिए हम इस टाइम को एक और नाम से जानते हैं, सीपीयू टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू टाइम, क्योंकि इस टाइम ये टाइम ड्यूरेशन जितना होता है उतने टाइम में वो कहां रहता है? सीपीयू के पास रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बर्स्ट टाइम। थर्ड हमारा है कंप्लीशन टाइम, द टाइम एट विच एनी प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। वो टाइम जिस समय कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, उस वक्त हम क्या बोलते हैं? उस टाइम को क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। कोई भी प्रोसेस प्रोसेसर के लिए कितना टोटल टाइम वेट करता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम। एक्चुअली जैसे सपोज कीजिए कि कोई हमारा एक प्रोसेस है पी नाम का एंड उसका बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम क्या होता है? सीपीयू टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है? 5 नैनो सेकेंड। इट मीन्स उसको 5 नैनो सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए प्रोसेस रेडी स्टेट में एंड रेडी स्टेट से आपका प्रोसेस रनिंग में जाता है एंड रनिंग से कहां जाता है? एग्जिट में। तो प्रोसेस को 5 नैनो सेकेंड के लिए टाइम मिलेगा चाहिए, तो पहले से न्यू से आया वो रेडी में, तो रेडी में प्रोसेस हमारा क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। कुछ टाइम के लिए हमारा प्रोसेस वेट कर रहा है। कुछ टाइम वेट करने के बाद उसे क्या हुआ? प्रोसेसर एलोकेट हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि हर बार कि उसे एक बार जब प्रोसेसर मिला तो वो 5 नैनो सेकेंड के लिए मिले। ऐसा हो सकता है कि उसे एक बार प्रोसेसर मिला तो उसे 1 नैनो सेकेंड के लिए मिला एंड 1 नैनो सेकेंड के बाद हमने क्या किया, उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से लेकर रेडी स्टेट में भेज दिया। फिर रेडी स्टेट में प्रोसेस आने के बाद फिर कुछ देर वेट करेगा, ठीक है, एंड फिर कुछ देर वेट करने के बाद उस प्रोसेस को फिर से सीपीयू मिला, फिर से सीपीयू मिला तो फिर से उसका वो बर्स्ट टाइम। फिर से सपोज कीजिए कि उसे 2 नैनो सेकेंड के लिए सीपीयू मिला, तो 2 नैनो सेकेंड तक वो सीपीयू में रहेगा एंड 2 नैनो सेकेंड के बाद हमने क्या किया, फिर से उसको रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेज दिया। फिर से रेडी स्टेट में आकर प्रोसेस हमारा वेट कर रहा है, किसका? प्रोसेसर का। तो जितना देर वो फिर से रेडी स्टेट में रहेगा फिर से उसको क्या बोलेंगे हम? वेटिंग टाइम। एंड फिर कुछ देर वेट करने के बाद प्रोसेसर प्रोसेस को हमारा फिर प्रोसेसर मिलता है एंड उसको फिर 2 नैनो सेकेंड के लिए मिल गया प्रोसेसर। तो 2 नैनो सेकेंड के बाद उसका 5 नैनो सेकेंड अपना कंप्लीट हो जाएगा एंड 5 नैनो सेकेंड जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, इट मीन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो बर्स्ट टाइम होता है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार प्रोसेस को मिले, एक बार प्रोसेसर उसको एलोकेट हो जाए तो उसको हमेशा वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रोसेसर को रिलीज करेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा एल्गोरिदम कौन सा है। तो अगर ये जिस टाइम हमारा प्रोसेस अराइव होता है रेडी स्टेट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अराइवल टाइम। एंड जिस टाइम हमारा प्रोसेस एग्जिट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम। तो इन दोनों का डिफरेंस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम,
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इन दोनों के बीच में हमारा प्रोसेस क्या कर रहा है, या तो वेट कर रहा है या तो सीपीयू के साथ अपना कोई जो भी काम करना वो कर रहा है। इट मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ठीक है, थर्ड टाइप का जो हमारा टाइम है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई एनी प्रोसेस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। किसी भी प्रोसेस को टोटल कितना अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, उस टोटल अमाउंट ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो कोई भी प्रोसेस टोटली कितना देर रहता है हमारे पास, उतना उस टोटल टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ये जो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है ना, वही होता है टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम। एंड ये होता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ये एक आपका एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे न्यूमेरिकल, इसको यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एंड रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इन रेडी स्टेट। उतना टाइम जितना टाइम हमारा कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में स्पेंड करता है बिफोर गोइंग टू रनिंग स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार कोई भी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में जाने से पहले रेडी स्टेट में जितना देर वो वेट करता है, उस वेटिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम। जैसे हमारा कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आया एंड इतनी देर के लिए पहले वेट किया रेडी स्टेट में, देन उसको क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेट हुआ। तो ये जो फर्स्ट जो वेटिंग टाइम होगा ना हमारे रेडी स्टेट में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, जब प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में आता है उसको क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। एंड जब प्रोसेस हमारा एग्जिट होता है उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। एंड बर्स्ट टाइम क्या होता है, कितने देर के लिए हमारा, हमारे प्रोसेस को सीपीयू चाहिए, उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। एंड जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है एंड रेडी स्टेट से जब उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है, तो फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलने से पहले वो रेडी स्टेट में जितना देर वेट करता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम। एंड टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि हमारा प्रोसेस कितना देर वो एग्जीक्यूशन में है, या तो वेटिंग स्टेट में होगा या बर्स्ट टाइम रनिंग स्टेट में होगा। तो बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम को क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। अगर आपको इस टाइमिंग में अगर कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आपको इसमें डाउट ऑल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।